अभी हम आ चुके हैं सांगला से 1 किलोमीटर आगे, अभी जा रहे हैं चितकुल। दोस्तों क्या प्यारा नज़ारा है, ये है बस पारीबर, यहाँ पर है सेब के बगीचे और ये है सांगला। सांगला से आगे हम रुके हैं एक व्यू पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर जानकर दुख हुआ कि यहाँ पर है शराब कांच की बोतलें पड़ी हुई, जो कि पूरी तरह से टूरिस्टों ने या लोकल लोगों ने यहाँ पर गंद फैलाया है। दोस्तों हिमाचल हमारी धरोहर है, कृपया इसे इस तरह से दूषित ना करें। जगह जगह डस्टबिन लगे हैं, आप वहाँ पर इस वेस्ट को फेंक सकते हैं। अब आप देखिए ये शीशे के कण अगर किसी के पैर में चले जाएं, हाथ में लग जाएं, या किसी जीव जंतु को ही लग जाए तो उसे कितना नुकसान हो सकता है, प्लीज़ ऐसा ना करें। ये है सामने देवदार का पेड़, अब सूरज भी धीरे धीरे से ढल रहा है। सामने है बगीचे और कितनी खड़ी पहाड़ी पर लोगों ने घर बनाए और साथ में है बगीचे। और जो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं, ये है किन्नर कैलाश की पहाड़ियाँ, इतनी ऊंचाई पर ही किन्नर कैलाश है। अभी शाम भी हो आई है और ये व्यू है सांगला वैली का, ऊँचे ऊँचे बर्फ़ से भरे पहाड़ है, नदी है, बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खेतों में फसलें काटी जा रही है, घास काटा जा रहा है। सामने पहाड़ी पर छुप रहा है सूरज, अभी है इवनिंग टाइम, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये है सामने सांगला बाज़ार, सामने का व्यू है, ये है वटसेरी और यहाँ पर पहाड़ों में अभी तक बर्फ़ रही है। ये है ग्लेशियर, ये बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं लेकिन आजकल सितंबर में काफ़ी छोटे हो चुके हैं। और ये यहाँ से आ रहा है ग्लेशियरों का पानी, ये बर्फ़ का ठंडा पानी है। और ये है गांव का व्यू, पर सामने जो पहाड़ दिखाई दे रही है ये पानी आता है ऊपर से पहाड़ों से ग्लेशियर से, और बरसात में ये बैली हो जाती है इस तरह की। यहाँ जब गर्मियों में और बरसात में पानी आता है तो पूरी तरह से फ्लड ही पैदा हो जाता है। अभी
छत पुल जाते हुए यहाँ पर मिला पहाड़ों से आता हुआ ठंडा ठंडा पानी। ये सामने पहाड़ है, यहाँ पर है ग्लेशियर और ये है ग्लेशियर का बर्फ से पिघला हुआ पानी। तो चलिए दोस्तों इस ठंडे पानी से हाथ मुंह धोते हैं। बहुत ही ठंडा पानी है, ये देखिए बिल्कुल साफ बिल्कुल प्योर। सामने धूप से बर्फ भी दिख रही है जो कि चमक रही है और साथ में ही पहाड़ों पर धूम। जितना पानी समुद्र में है उतना पानी बर्फ से भरे इन पहाड़ों में भी है। आगे सामने का ये व्यू है रक्षम विलेज का। यहाँ से आगे है चितकुल गांव जो है भारत का आखिरी गांव, वहाँ से चीन का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। चलो चलो गांव वाले मेरे ख्याल सारे एक एक दो बंदों के पास यहाँ पर सामने जो वाइट वाइट आपको पत्थर की तरह दिख रहे हैं ये है बकरियाँ। यहाँ पर गडरियों ने डेरा डाला है अपना। गडर ये पूरे पहाड़ पर अपनी बकरियाँ चराते हैं और सर्दियों के मौसम में चले जाते हैं गर्म क्षेत्रों की ओर। आजकल यहाँ पर बर्फ पड़नी एक दो महीने बाद शुरू हो जाएगी। अब गडर ये नीचे वाले क्षेत्रों में उतर रहे हैं।
डिफरेंट हिमालय शेफर्ड्स के करिए। वाओ, बहुत सारे भेड़ बकरियाँ, अभी हम पहुंच गए हैं सिरपुर में। यहाँ पर लगा है इंडिया लास्ट विलेज का बोर्ड और ये है 11,320 फीट हाइट में और ये है छितपुर पंचायत। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है कि फेरी वाले बाबे और कबाड़ वाले गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, परमिशन की ज़रूरत है। चाइना बॉर्डर में हवा भी काफ़ी ठंडी ग्राम पंचायत छतपुर का सामने है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा।